हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वैसे आप बता सकते हैं टेलीस्कोप क्या होता है? कभी आपको टेलीस्कोप पता हो तो फिर मैं आगे बात करता हूँ कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है। तो बच्चों, टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है। दूर की चीज़ कितनी दूर होनी चाहिए? बहुत दूर भी हो सकती है बच्चों। तो बच्चों, टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दूर की चीज़ों को बड़ा देखने के लिए और क्लियर देखने के लिए यूज़ होता है। टेलीस्कोप, टेली का मतलब जहाँ भी टेली वर्ड आता है, इसका मतलब दूर की चीज़ों को देखने वाला। तो टेलीस्कोप जो होगा वो दूर की चीज़ों को देखेगा और वो चीज़ों को बड़ा भी देख सकता है और साफ भी देख सकता है। तो अब यहाँ पर टेलीस्कोप में हम एक स्पेशल टाइप का टेलीस्कोप ले रहे हैं जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कभी हम यहाँ पर टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की चीज़ों को देखेगा, साफ भी देखेगा और क्लियर देखेगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड का मतलब है कि भैया ये दूर की चीज़ जो होगी ना, वो कहाँ रखी होगी? स्पेस में। कहाँ रखी होगी बच्चों? स्पेस में। आप जानते हैं अर्थ के बाहर सारी चीज़ को हम स्पेस कहते हैं। स्पेस में ही सन होता है, स्पेस में ही मून होता है और स्पेस में ही सारे प्लैनेट होते हैं। तो कभी हम मान लीजिए टेलीस्कोप की मदद से किसे देख रहे हैं? मून को देख रहे हैं। तो बता दूं, वो टेलीस्कोप कोई और नहीं, कौन सा टेलीस्कोप होगा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा। बच्चों, आप कभी यूट्यूब पर या फिर गूगल पर कभी वीडियो सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा कि भैया हमारे पास ऐसे ऐसे टेलीस्कोप है जो पूरी की पूरी आकाश गंगा को देख सकते हैं। बच्चों, अपनी गैलेक्सी को हम देख सकते हैं। आप कभी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो क्या आप उससे सैटर्न को देख सकते हैं, सैटर्न की रिंग को देख सकते हैं इस टेलीस्कोप से? तो मैं कहूँगा बिल्कुल देख सकते हैं बच्चों। यहीं अर्थ पर बैठे बैठे हम सैटर्न को भी देख सकते हैं, जुपिटर को भी देख सकते हैं, इवन हम मार्स को, वीनस को, मर्क्यूरी को, सबको देख सकते हैं। हमारे पास ऐसे पावरफुल टेलीस्कोप है जिससे हम दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके देखें, आपको मिल जाएंगी ऐसी ढेरों वीडियो मिल जाएगी। तो हम हमारे टॉपिक की तरफ फिर से आते हैं। टेलीस्कोप क्या होता है? जो दूर की चीज़ों को देखता है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब ये हुआ कि ये स्पेस में रखी हुई चीज़ों को आसानी से देख सकता है, दूर की चीज़ों को क्लियर देख सकता है और बड़ा भी देख सकता है। देखिए बच्चों, हम नेकेड आई से मून को देखें तो नेकेड आई से मून जो दिखाई देगा इतना सा दिखाई देता है, पर कभी आप टेलीस्कोप से देखें तो वो जो मून है वो बड़ा दिखाई देगा। मून के अंदर की चीज़ें भी दिखाई देगी, उसकी सरफेस तक नजर आ जाएगी और बड़ा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। यही तो हम चाहते हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो दूर की चीजों को देखेगा, और वो दूर की चीज कहां रखी होगी? स्पेस में रखी होगी। तो चलिए हम यहां पर इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। मैंने डेफिनेशन तो लिख दी है, यूज टू सी वेरी फार ऑब्जेक्ट प्लेस इन स्पेस। और हम इसे कैसा देखना चाहते हैं? क्लियर एंड बिगर देखना चाहते हैं। तो यहां पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन पढ़ने जा रहे हैं और रे डायग्राम। कंस्ट्रक्शन एंड रे डायग्राम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को हम स्पेशल नाम नहीं दे रहे, ये दोनों मिलाकर ही आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन भी पढ़ रहे हैं और साथ के साथ रे डायग्राम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन में दो टेलीस्कोप यूज होते हैं। कितने बच्चों? दो टेलीस्कोप यूज होते हैं। पहला टेलीस्कोप जो है, आप देखेंगे ये रहा पहला टेलीस्कोप, सॉरी पहला लेंस, मैं टेलीस्कोप कह रहा हूँ। यहाँ पर दो लेंस यूज होने वाले हैं, दोनों ही की दोनों लेंस जो होंगे कॉन्वेक्स लेंस होंगे। तो ये पहला भी जो है वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहेंगे बच्चों? ऑब्जेक्टिव लेंस, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहेंगे लो, एल ओ। एल ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पर एक और लेंस लेंगे जिसका नाम होगा ली। क्या नाम होगा? ली। सर ली क्या होता है? तो ली जो है ये भी एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस ही है, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, और इसे हम कहेंगे आई पीस लेंस या फिर आई लेंस भी कह सकते हैं, आई पीस लेंस, और इसे हम शॉर्ट में कहेंगे ली। तो बेटा दो लेंस है, लो एंड ली। लोली, एल ओ एली, मतलब लो मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और एली मतलब आई पीस लेंस। तो दो लेंस यूज होंगे।
और बच्चों दो लेंस होंगे यहां पर। ये वाला जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, सॉरी आईपीस लेंस है, मूवेबल लेंस है। इसे आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देखिए आपने कभी लेंस देखा हो, टेलीस्कोप देखा हो, तो ये वाला जो आंख के पास जो लेंस होता है इसे आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो इसे ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहते हैं, तो आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव लेंस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेंस जो होता है ऑब्जेक्ट के पास होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ये लेंस जो होता है ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। और इसे आईपीस लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आंख की तरफ होता है। आंख मतलब हम इस टेलीस्कोप को ऐसा देखेंगे, ऐसा देखिए ऐसा, तो ये वाला जो लेंस होगा हमारी आंखों के पास होगा और ये वाला लेंस जो होगा वो ऑब्जेक्ट के पास होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। ये वाला लेंस आंख की तरफ और ये वाला लेंस जो होगा वो कहां की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। क्लियर है? तो बच्चों ये कंस्ट्रक्शन में ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर क्या बना देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। इसे मैं ओवन नाम दे देता हूं, ओवन, और इसे मैं ऑप्टिकल सेंटर नंबर टू दे देता हूं, इसे नाम दे दिया O2। क्लियर है? ओवन और O2 तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, दो लेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस लेंस को ब्लैक पेन से बनाता हूँ और इसे दूसरे कलर से बना देता हूँ, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए मैं इस लेंस को रेड पेन से बना देता हूँ, तो ये दूसरा लेंस हो गया जिसका ऑप्टिकल सेंटर कितना हो गया, O2। ठीक है, ये लाइन दिख रही होगी, इसे ब्लैक से ही बनाता हूँ, तो ये वाली लाइन जो है ब्लैक से बना दी। तो दो लेंस हो गए O1 और एक क्या हो गया बेटा, O2। क्लियर है? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दो लेंस लिए हुए हैं, O1 और एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक क्या है, आईपीस लेंस है। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में LO, L मतलब लेंस और O मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, L मतलब लेंस और E मतलब आईपीस लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में समझ में आ गया होगा। इसे आई लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आँख के पास होता है। इसे ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट के पास होता है। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आया। अब बच्चों आपसे कोई पूछे ये लेंस है, तो ये ब्लैक वाला जो लेंस है इसका फोकस कहाँ होगा, तो आप कहेंगे सर इस जगह होगा FO। यहाँ पर मैं FO नाम दे देता हूँ, और इसका 2F सेंटर कहाँ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, इसका जो फोकस होगा वो यहाँ की तरफ होगा। एक काम करता हूँ मैं इसे FO यहाँ नाम देता हूँ, ये FO हुआ, और इसका 2FO जो होगा इस तरफ होगा। वैसे ही इसका एक और फोकस होता है, आप जानते हैं इसका एक और फोकस जो होगा इस जगह होगा, और 2FO जो होगा इस तरफ होगा, जिसे बनाने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर फिर से बता दूँ हर लेंस का क्या होता है, फोकस होता है। तो इसका फोकस जो हो गया FO हो गया, O क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो FO हो गया, और ये इसका FO हो गया, और 2FO हो गया, और एक तरफ कहीं 2FO होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आ गई ब्लैक पेन की कहानी। अब मान लीजिए आप किसे देखना चाहते हो, चंदा मामा को। किसको देखना चाहते हैं बेटा, चंदा मामा कि सूरज मामा? तो चलिए सूरज मामा को देखना चाहते हैं। तो यहां पर हम किसे देखना चाहते हैं, सन को देखना चाहते हैं। अब मान लीजिए सन जो है, सन 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 जो है, ये सन का सर है और ये सन का क्या है, पेड़ है। क्लियर है? अब सन कहाँ पर होगा, तो आप कहेंगे सर सन तो जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, तो मैं 2FO को हटा देता हूँ, मैंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी। तो सन बोलो कहाँ पर होगा, तो आप कहेंगे कि सर सन तो इन्फिनिटी पे होगा। तो आपको एक कहानी पता होना चाहिए, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है फोकस पे, याद कीजिए। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है फोकस पे, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है। ये देखिए ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बच्चों याद कीजिए जब भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती है, तो इमेज विल फॉर्म एट फोकस। इमेज कहाँ फॉर्म होगी बच्चों, फोकस पे। तो ये रही इमेज जो कि कहाँ पर फॉर्म हो रही है प्यारे बच्चों, फोकस पे। और अभी मैंने कहा था ये जगह क्या है, फोकस है, जिसे मैं FO नाम दे रहा हूँ। तो बच्चों ऑब्जेक्ट ए भी था तो बता सकते हैं इमेज क्या होगी, तो इमेज होगी इन्वर्टेड B-A-. ठीक है, तो यहाँ पर सारी बेसिक चीज़ें लिखते जाता हूँ जिससे आपको पता चलते जाए। तो ए भी यहाँ पर क्या है, ए भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो प्लेस्ड है
ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस है कहाँ पर बच्चों? इन्फिनिटी पर। ये कहाँ पर प्लेस है बच्चों? इन्फिनिटी पर। और एडेश बीडेश क्या है? तो एडेश बीडेश जो है वो इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। एडेश बीडेश क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। फॉर्म किसने की? तो फॉर्म्ड, फॉर्म्ड कहाँ पर हुई है? तो फॉर्म्ड एट एफ ओ डैश, फॉर्म्ड एट एफ ओ डैश बाय एलो। सर क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है। देखिए बच्चों, ये ए बी तो ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पर रखा हुआ? इन्फिनिटी पे। और एडेश बीडेश क्या है? इमेज है, सही है। इमेज भी कौन सी है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है जो कि किसने फॉर्म की है? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। किसने फॉर्म की है बच्चों? ऑब्जेक्टिव लेंस ने फॉर्म की। और कहाँ पे फॉर्म की? एफ ओ डैश पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्ट की कहानी होगी और ये कहानी होगी इमेज की। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आपसे कोई पूछे कि भैया ये कौन है, तो आप कहेंगे ये आई लेंस है। तो बच्चों देखिए, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है। किसकी इमेज है? इस वाले लेंस की। पर ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या रोल प्ले कर रही है? मतलब ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। सर नहीं आया समझ में, फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है इसने इमेज फॉर्म कर दी, कर दी बच्चों, तो इसका काम तो खत्म, ठीक है। इसके लिए ये इमेज है, इसका काम खत्म, इमेज हो गई। अब इस लेंस के लिए ये कैसा बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। कैसा बिहेव करेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट की तरह। तो आपसे कोई पूछे कि भैया एडेश बीडेश कौन है, तो आप कहेंगे कि भैया एडेश बीडेश जो है तो एक ही आदमी, पर रोल जो है दो प्ले कर रहा है, एक तो इमेज का फॉर एलो और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह। तो हम कहेंगे भैया ये एडेश बीडेश जो है ऑब्जेक्ट है, किसके लिए? फॉर एली। एडेश बीडेश दो रोल प्ले कर रहा है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है क्या? एली। एली के लिए ऑब्जेक्ट है, ये बात समझ में आई। आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये लेंस क्या होता है? मूवेबल लेंस होता है। इस लेंस को आप क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। याद कीजिए, आप कभी टेलीस्कोप से देख रहे हो तो ये जो लेंस होता है, देखिए मैं थोड़ा और एक्टिंग करके दिखाता हूँ। ये जो लेंस होता है आप इसे क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। देखिए ऐसा ऐसा गोल घुमाते रहते हैं। क्यों घुमाते रहते हैं? इसके पीछे कहानी समझाता हूँ। तो बच्चों हम इस लेंस को क्या करने वाले हैं? एडजस्ट करने वाले हैं। हम इस लेंस को एडजस्ट तब तक करेंगे कि जब तक ये ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ये एफ ई, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच लाइन ना हो जाए। देखिए हम इसकी जगह तो चेंज नहीं कर सकते, पर हम इसे तो मूव कर सकते हैं। देखिए इसे मूव कर दिया, तो तब तक मूव करो जब तक ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच लाइन ना हो जाए। तो एक कहानी याद दिलाता हूं मैं। क्या आपको याद है कॉन्वेक्स लेंस का केस नंबर 6? सर नहीं याद है, मैं याद दिलाता हूं। कॉन्वेक्स लेंस का केस नंबर 6 ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हो, याद कीजिए, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा हो तो इमेज जो होती है सेम साइड पर बनती। याद कीजिए लाइट रे पैरेलल गई थी याद कीजिए लाइट रे पैरेलल गई थी और दूसरी लाइट रे यहाँ से पास हो गई थी, इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड किया था, एक्सटेंड करने पर इमेज इस जगह बनी थी सेम साइड पर, याद कीजिए। तो यहाँ पर भी यही कहानी होने वाली है। यहाँ पर भी यही कहानी क्या होगी बच्चों? जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होगा तो देखिए क्या होगा ये लाइट रे पैरेलल गई है, पैरेलल जाने के बाद कहाँ से पास हो गए, तो लाइट रे जो है थोड़ा सा ये लाइट रे यहाँ से पास हो गई। सर ये जगह कौन सी है? तो ये जगह जो है फोकस है, मैंने अभी कहा फोकस है एफ ए डैश, और दूसरी लाइट रे जो है वो यहाँ से पास हो गई, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। इन्हें क्या करें? पीछे की तरफ एक्सटेंड करें। थोड़ा सा मुझे डायग्राम और बनाना पड़ेगा जिससे कि इमेज एक्सटेंड हो, ठीक है। इस इमेज को ये दोनों लाइट रे जो है आगे जाके तो मिलने वाली नहीं है। नहीं, फिर से समझाइए। देखिए ये जो है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है,
तो हमने इस लेंस को एडजस्ट किया। कब तक एडजस्ट किया? जब तक कि ये जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच लाइन ना हो जाए। तो लाइट रे पैरेलल गई तो फोकस से पास हो गई, क्लियर है, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है बिना डेविएट हुए सीधी निकल गई। अब ये लाइट रे आगे जाके मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि ये लाइट रे दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? फैलती जा रही है, सही है। तो हमें इस लाइट रे को क्या करना होगा? पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा। तो ये हमने लाइट रे को क्या किया बच्चों? पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, देख लीजिए, इसे भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, देखिए इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और इसे भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और ये दोनों लाइट रे कहाँ आके मिली? मान लो इस जगह आके मिली। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा? इमेज बन गई। ये देखिए यहाँ पर, इसे हटा दूँ बेटा ब्लैक कलर के कॉन्वेक्स लेंस को, ये तो आपको समझ में आ गया है। तो इसे मैंने यहाँ पर एक्सटेंड किया तो ये आ गया बी डबल डैश और ए डबल डैश। सर तो बी डबल डैश ए डबल डैश है क्या, थोड़ा सा बताइए। तो यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? फाइनल इमेज है। मैं फिर से समझाऊंगा बच्चों, अभी शांति बनाए रखिए। फाइनल इमेज फाउंड बाय एली, किसने बनाया बच्चों? आईलेंस ने बनाया। तो यहाँ पर मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम तो ब्लैक वाला डायग्राम दिख रहा है और एक डायग्राम रेड वाला दिख रहा है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इस लेंस ने इमेज को कहाँ बना दिया? फोकस पे। जब लाइट रे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है? फोकस पे। तो एफओ पे फॉर्म हो गया, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे फॉर्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब हमने क्या किया? इस लेंस को एडजस्ट किया। सर कब तक एडजस्ट किया? तब तक एडजस्ट किया जब तक कि ये जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच लाइन ना हो जाए, ठीक है। तो हमने जैसे ही इसे एडजस्ट किया, जैसे ही एडजस्ट किया तो इमेज कहाँ बनेगी? सेम साइड पर। यह भी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था सर, कैसे जो लाइट रे पैरेलल गई फोकस से पास हो गई, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गई बिना डेविएट हुए सीधी निकल गई, ये आगे जाके नहीं मिलने वाली, और नहीं मिलेगी तो इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक कि ये मिल ना जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर फाइनल इमेज बनी ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, ये एली के लिए फाइनल इमेज होगी, ठीक है। और यहाँ पर आँख कहाँ पर है? जहाँ से हम देख रहे हैं, तो हमारी आई लेंस आई तो यहीं पर है। ये रही हमारी आंखें, ये रही आंखें, देखिए आपको दिख रही है आपको मेरी आंखें, ये रही आंखें और ये आपकी आईब्रो हो गई। कोशिश की है कि आंख दिखने लगे तो ये आंख होगी, ठीक है, तो ये आपकी आई होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिए डायग्राम सुंदर होगा तो ही अब आगे की कहानी समझ में आएगी। अब देखिए आपने ये बनाया क्यों? इसलिए बनाया कि आपको इमेज क्या दिखाई दे? क्लियर दिखाई दे, और क्या दिखाई दे? बिगर दिखाई दे। तो अब हम इस डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इमेज कितनी बड़ी बनी है। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख रहे हैं जिसे कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। क्या कह रहे हैं बच्चों? मैग्नीफाइंग पावर, जिसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एम से। उम्मीद करता हूँ आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, मुझे ये रफ करना पड़ेगा इसलिए आप ध्यान से देखिएगा ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो मैं इसे समझा फिर से नहीं रहा हूँ, तो आपको फिर भी ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट है और इसने इमेज को फॉर्म किया कहाँ पर? फोकस पे। इस लेंस ने इमेज को फॉर्म किया फोकस पे। अब इसके लिए, इस लेंस के लिए ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और हमने इसे एडजस्ट किया। क्या किया बेटा? एडजस्ट किया। जब तक एडजस्ट किया जब तक कि ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ये वाली ऑब्जेक्ट लाई न करे, और जैसे ही लाई किया तो इमेज कहाँ बनती है? सेम साइड पर। केस नंबर 6 मैंने बताया था, केस नंबर 6, तो इमेज सेम साइड पर बन गई, और जो कि बड़ी होगी, बिगर होगी, क्लियर होगी, ठीक है। अब हम क्या शुरू करें कि इमेज कितनी बनी? मैग्नीफाइंग पावर। तो पहले मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है उसे हम एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है विजुअल एंगल ऑफ इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल ऑफ इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट।
विजुअल एंगल ऑफ इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कितने एंगल से आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और कितने एंगल से आप इमेज को देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ऑब्जेक्ट को आप किस एंगल से देख रहे हैं, तो अब सारी जो मेंशन है मैं ब्लू पेन से करता हूँ। तो यहाँ पर आप किस एंगल से देख रहे हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर डायग्राम अलग तरीके से बनाया हुआ है, जबकि सच में आप कभी देखें तो आपका टेलीस्कोप ऐसा होता है, टेलीस्कोप को कि ऑब्जेक्ट आई लेंस को आप बिल्कुल आँख से चिपका के रखते हैं, और आई लेंस को भी आप कहाँ से चिपका के रखते हैं, कहाँ से आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों ही आँख के जस्ट पास में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे बना हुआ है, पर जबकि सच बात ये है कि ये सबकी सब जो है आँखों के साथ ही एंगल बनाते हैं। कौन सा? ऑब्जेक्ट भी आँखों के साथ एंगल बनाता है, इमेज भी आँखों के साथ एंगल बनाता है, हाँ है ना। तो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि यहाँ पर दो चीज़ क्या क्या है, क्या है बच्चों? विजुअल एंगल ऑफ इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, जो एंगल इमेज बना रही है और जो एंगल क्या बना रहा है? ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट ये है। तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है? तो इस एंगल को मैं नाम देता हूँ अल्फा। ठीक है, आप कभी मैथ्स लगाएं, कभी आप यहाँ पर एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगाएं, तो ये एंगल अल्फा है, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है बच्चों, ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। दिख रहा होगा बच्चों, ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। सर अल्फा क्यों होगा? बच्चों आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हो, तो आप जानते होंगे कि ये एंगल क्या होने वाला है? अल्फा होने वाला है। और बच्चों इमेज कहाँ है? तो आप कहेंगे सर कौन सी इमेज? इमेज तो बहुत सारी है, हम यहाँ पर सिर्फ दो इमेज की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और एक्चुअल इमेज है। इमेज तो ये वाली बन रही है, तो यहाँ पर इमेज आंखों के साथ कितना एंगल बना रही है? तो ये वाला एंगल बनाएगी, जिसे मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? बीटा से। किससे डिनोट कर रहा हूँ बच्चों? बीटा से। दिख रहा है बच्चों, ये रहा बीटा एंगल। ठीक है, तो बच्चों इमेज के एंगल को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? बीटा से। और ऑब्जेक्ट के एंगल को किससे डिनोट कर रहा हूँ मैं? अल्फा से। बीटा अपॉन अल्फा। बच्चों बीटा क्या है? बच्चों बीटा क्या है? इमेज का एंगल। और अल्फा क्या है? ऑब्जेक्ट का एंगल। सर इमेज कौन सी है? इमेज कौन सी वाली है? सर इमेज कौन सी वाली है प्लीज़ बताएं? फाइनल इमेज है, इसलिए हम कौन सी इमेज का एंगल देख रहे हैं? फाइनल इमेज का एंगल। दिख रहा है बच्चों फाइनल इमेज का एंगल? तो एम इक्वल टू क्या हो गया? बीटा अपॉन अल्फा। मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बच्चों? अज्यूम कर रहा हूँ बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल। और कभी आपने देखा होगा जब ये एंगल बहुत ही स्मॉल हो तो हम बीटा को लिख सकते हैं टेन बीटा, और अल्फा को लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं टेन अल्फा। ऐसा आप बहुत बार कर चुके हैं, माइक्रोस्कोप में भी आपने किया हुआ है। तो बीटा को हम क्या लिखेंगे? टेन बीटा, और अल्फा को लिखेंगे टेन अल्फा। तो एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? टेन बीटा अपॉन में क्या बच्चों? टेन अल्फा। कभी आप टेन बीटा की वैल्यू निकालें तो टेन बीटा की वैल्यू किस ट्राइंगल से निकालेंगे? तो मैं आपको बता दूं, टेन बीटा के लिए आप या तो बड़ा ट्राइंगल ले लें, या फिर ये बीटा एंगल देखिए, बीटा एंगल की खासियत ये है कि ये एंगल इसके साथ भी बन रहा है और ये बड़े वाले के साथ भी बन रहा है। तो मैं बीटा एंगल के लिए ये वाला ट्राइंगल शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा बीटा वाला एंगल टेन बीटा का। बच्चों टेन बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल दे रहा हूँ? नाम बताए तो इन ट्राइंगल क्या नाम हो जाएगा? ए डैश बी डैश ओ टू। ट्राइंगल का नाम क्या है? ए डैश बी डैश ओ टू। इसमें मैं टेन बीटा लगा रहा हूँ। बच्चों टेन बीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बता सकते हैं इस डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है? तो आप कहेंगे ए डैश बी डैश, और बेस क्या है? बी डैश ओ टू। देखिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ? बेस। तो ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ टू। अब मुझे टेन अल्फा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? टेन अल्फा। तो आप कहेंगे कि सर टेन अल्फा के लिए ये डायग्राम लें या फिर ये लें? तो मैं कहूँगा कि भैया टेन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो अभी फिलहाल इसका परपेंडिकुलर इन्फाइनेट डिस्टेंस पे है और ये डिस्टेंस भी इन्फाइनेट है, तो यहाँ पे आप टेन अल्फा ना लगाएं। कहाँ लगाएं बच्चों? टेन अल्फा। टेन अल्फा के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, जिसे मैं रेड पेन से मैंशन कर देता हूँ। ये दिख रहा होगा बेटा टेन अल्फा ये रहा। तो मैं यहां पर टेन अल्फा लिखने जा रहा हूं। टेन अल्फा बताएं क्या होगा? तो टेन अल्फा के लिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल होगा बच्चों? ए डैश बी डैश ओ वन। तो ए डैश बी डैश ओ वन। तो आप बता सकते हैं, जल्दी से बताएं टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जल्दी से बताएं, तो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, और बेस क्या है? बी डैश ओ वन। ए डैश बी डैश अपॉन में कितना बच्चों? बी डैश ओ वन।
मैं इन दोनों वैल्यू को एम में डाल देता हूँ तो बताएं क्या होगा। एम इक्वल्स टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, तो टेन बीटा की वैल्यू कितनी डाल रहा हूँ मैं, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ टू, और टेन अल्फा की वैल्यू कितनी डाल रहा हूँ बच्चों में, ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ वन। एडेश बी डैश से एडेश बी डैश कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा सर। अब ये फोर्थ टर्म है तो कहाँ जाएगी, सबसे ऊपर, तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डैश ओ वन, ये टर्म सबसे ऊपर जाएगी ना प्यारे बच्चों, और बी डैश ओ टू कहाँ आएगा, सबसे नीचे सर, बिल्कुल सही है, इतना तो आ गया। अब आपसे कोई पूछे बी डैश ओ वन क्या है, बी डैश ओ वन क्या है, तो आप कभी देखें बी डैश ओ वन कहाँ है सर, दिख ही नहीं रहा बी डैश ओ वन, इतने सारे डायग्राम में दिख ही नहीं रहा बी डैश ओ वन क्या है, तो क्या आप ये देख पा रहे हैं, ओ वन तो ये रहा और बी डैश ओ वन चाहिए तो बी डैश ये रहा, ठीक है, तो आप बता सकते हैं बी डैश ओ वन क्या है। तो ध्यान से कभी कहानी आपने सुनी हो तो कहानी ये थी कि बी डैश ओ वन क्या है, देखिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई, फोकस पे, फोकस, ये फोकस है, तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी, ये कभी फोकस है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, फोकल लेंथ होगी कि नहीं होगी, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों, प्लस होती है, तो प्लस एफ ओ लिखूंगा मैं। सर प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है, ठीक है, तो प्लस का एफ ओ। और बी डैश ओ टू क्या, आराम से देखिए सर, बी डैश ये रहा ओ टू ये रहा, तो बी डैश ओ टू ये होगा, क्लियर है कि नहीं बच्चों, बी डैश ओ टू ये वाली डिस्टेंस हो गया। बताओ बी डैश ओ टू है क्या, तो आप कहेंगे सर ये वाली चीज जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस जो होगी होगी क्या, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे नोट करते हैं, यू से, पर लेफ्ट में होने की वजह से क्या होगी, माइनस यू। सर माइनस यू क्यों हुई, माइनस यू क्यों हुई, क्योंकि इस लेंस के लिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, लेफ्ट में। और बच्चों ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस किसके लिए, आई लेंस के लिए, इसलिए इसके चरणों में क्या लिखेंगे हम, यू ई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस यू ई, पर बच्चों ये डिस्टेंस यू ई है, पर तो साइन कन्वेंशन के कारण माइनस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माइनस साइन क्यों आया है, माइनस साइन क्यों आया है, साइन कन्वेंशन से, माइनस साइन जो आया है वो आया है साइन कन्वेंशन से। बच्चों मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं वहाँ का, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी इतना मेहनत करने के बाद, ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर दिख तो रहा है, और नीचे नीचे और भी जगह बची हुई है, तो मैं उस जगह का भी फायदा उठा लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस का मैग्निफिकेशन का बताएं फॉर्मूला क्या आया, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो आया है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एफ ओ अपॉन में यू ई, तो माइनस का एफ ओ अपॉन में यू ई, इसे इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ मैं, वन दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का तो आपको दिख रहा है, यहाँ तक का तो आपको दिख रहा है, वेरी गुड बच्चों। यहाँ पर अभी भी डेरिवेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है अभी, रनिंग स्टेज में है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज बनी फोकस पे, इसलिए डिस्टेंस फोकल लेंथ है। अब ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, आई लेंस के लिए, इसलिए यू ही, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हुआ, अब हम यहाँ पर दो केस लेना चाहेंगे, कितने केस लेंगे, दो केस लेंगे, तो आपको दो केस समझाने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसे हटा देता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे जगह चाहिए और बोर्ड इतना ही है जितना आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं कितने केस लेने जा रहा हूँ, दो केस लेने जा रहा हूँ, कितने केस लेने जा रहा हूँ, दो केस लेने जा रहा हूँ। सर पहला केस क्या है, तो केस नंबर वन लेता हूँ मैं, केस नंबर वन लेता हूँ, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। बच्चों जब फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म हो, इन्फिनिटी पे। यहाँ पर केस वन जो ले रहा हूँ मैं, फाइनल इमेज को कहाँ फॉर्म कर रहा हूँ, इन्फिनिटी पे, इसे हम रिलैक्स्ड आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिलैक्स्ड आई। सर रिलैक्स्ड आई क्यों बोल रहे हैं बच्चों, इसे रिलैक्स्ड आई क्यों कह रहे हैं बच्चों, देखिए आप जब आपकी आँख रिलैक्स होती है, इसका मतलब ये है कि आप इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, सही है कि नहीं बच्चों। देखिए सीधी सी बात है, कभी मान लीजिए कोई तारा आपके ऊपर जस्ट गिरने वाला, तो आप क्या करेंगे, आप अपने
ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस को चेंज करेगा, जगह को चेंज करेगा, तो आपकी आंखों के आगे जो आंखों के ऊपर सिलियरी मसल्स है वो क्या करेगी, आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने लग जाएगी। पर अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इसका मतलब आंख के ऊपर जो सिलियरी मसल्स है वो सिलियरी मसल्स उसे एडजस्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तभी तो इमेज कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पे, और आपकी आंख क्या है, रिलैक्स आई है। बच्चों जब आप सोचिए, जो प्रेमी जोड़े होते हैं, प्यार करने वाले जोड़े होते हैं, उन्हें क्या पसंद होता है, तो उन्हें पसंद होता है कि भैया आराम से गार्डन में लेटे हुए हों रात, मतलब शाम को बोले तो, और वो किसको देख रहे हैं, चांद को और तारों को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। क्यों? क्योंकि चांद और तारे कहाँ नज़र आते हैं, इन्फिनिटी पे। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो आंखें बहुत ही रिलैक्स होती है। इसलिए आपको बुक में रिलैक्स आई या फिर फाइनल इमेज इज इन्फिनिटी पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, देखिए मैं कहानी समझाता हूँ, इस डायग्राम को फिर से बनाता हूँ, रफ डायग्राम फिर से बनाता हूँ। तो ये रहा पहला लेंस हमारा, देखिए रफ नहीं, थोड़ा अच्छा ही बनाऊंगा। ये रहा आपका पहला लेंस और ये रहा आपका दूसरा लेंस, ठीक है। ये पहला लेंस और ये दूसरा लेंस, ये पहला लेंस क्या है एलो, दूसरा लेंस क्या है एली। पहला लेंस है एलो, दूसरा लेंस है एली। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। लाइट रे आ रही है, पैरेलल आती है, सर पैरेलल तो आती है, तो पता है लाइट रे पैरेलल आ रही है। तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बन जाएगी बच्चों, फोकस पे, क्लियर है, इमेज बन गई फोकस पे। ये रहा एफ ओडेज, देखिए यही है, सेम कहानी है। तो इमेज बन गई कहाँ पर बच्चों, फोकस पे, और इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ये समझा चुका हूँ मैं, इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब बच्चों हमें फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर बनाना है, तो फाइनल इमेज बनाने वाला शख्स है कौन, आदमी कौन है, तो फाइनल इमेज का पूरा की पूरा दारोमदार आई लेंस के पास है। तो फाइनल इमेज को हमें इन्फिनिटी पे बनाना है, तो आपको एक केस याद होगा, शायद से याद है कि नहीं, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड हो। देखिए देखिए यहाँ पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनती है, तो उल्टा बोलो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब हम आई लेंस को तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक कि ये कहाँ पर लाइन ना कर जाए, फोकस ऑफ आई लेंस। अभी देखिए ये कहाँ था, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, फोकस पे। तो बच्चों जब लाइट रे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, याद कीजिए कहाँ बनेगी बच्चों, कहाँ बनेगी। हम इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो भी ये लाइट रे मिल नहीं पाएगी और इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पर बनेगी। तो अब बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है इस लाइन्स आई लेंस के लिए कहाँ पर रखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये तो फोकस पर रखा हुआ है। इसका मतलब जो यूई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके इक्वल होगी, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो यूई बोलो किसके इक्वल होगा, एफी के, सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया सर, बिल्कुल भी समझ नहीं आया, आप कितना भी चिल्ला लें समझ नहीं आ रहा है। देखिए ये दोनों डायग्राम क्या है, अलग है। इसमें इमेज जो है फोकस पे बन रही है, बिल्कुल यहाँ फोकस पे बन रही है, देखो एफ ओ डैश पे बन रही है। पर हमने इस डायग्राम में जो ये ऑब्जेक्ट है इसको कहाँ लाई करवाया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनती है, सेम साइड पर, याद कीजिए बिगर बनती थी। पर अभी हमने यहाँ पर केस लिया है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ, जब इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो बच्चों सोचने की बात है, इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ रखा होगा, फोकस ऑफ आई लेंस, तभी तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, फोकल लेंथ के। तो यूई किसके इक्वल होगा, एफी के। तो बच्चों इस केस में यूई जो होने वाला है किसके इक्वल होगा, एफी के। इसे पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन। सर इक्वेशन वन का देखिए वो लिखी हुई वहां पर, क्या लिखी हुई है, एम इक्वल्स टू माइनस का एफ ओ अपॉन यूई, और मैं इस यूई की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों, एफ ई। तो यहाँ पर एम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का एफ ओ अपॉन में एफ ई, ठीक है। ये पहला केस हो गया, हम इस पर बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे, पर फॉर्मूले आने से पहले ये आए कहाँ से ये समझ में आना चाहिए। तो केस नंबर वन हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने इतना लिख लिया होगा, इसे लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि केस नंबर टू भी समझाना बाकी है, नोट डाउन करें। केस नंबर वन का डायग्राम भी दिखा दिया है आपको। अब केस नंबर टू लिखने से पहले आपको यहाँ पर केस नंबर टू की कहानी समझानी पड़ेगी बच्चों। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आपको मैं बता चुका हूँ, डेरिवेशन बहुत ही बड़ा है बोर्ड। तो
यहाँ पर शिफ्टिंग तो नहीं हुई, एक मिनट में देख लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, बोर्ड भी खिसका था। चलिए बच्चों, सब कुछ सामान्य है। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, m इक्वल्स टू, यहीं पर लिखा था, ये गलती से मिट गया, m इक्वल्स टू माइनस का fo, ठीक है, m इक्वल्स टू माइनस का fo अपॉन में ue। ये केस नंबर वन तो कंप्लीट हो गया, इसे इक्वेशन नंबर वन दे रखी थी हमने। अब केस नंबर टू लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, केस नंबर, अब बच्चों बताओ, हमने केस नंबर वन में ले लिया कि इमेज कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे, तो एक तो इन्फिनिटी पे बन गई, तो एक क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी से पहले। इन्फिनिटी से पहले कहां सर, इन्फिनिटी के पहले, बस इतनी पहले, इतनी पहले कि वो आपको आपको नेकेड आई से दिखाई देने लग जाए। बच्चों आप कहेंगे कि आपकी कभी फार पॉइंट और नियर पॉइंट का भी नाम सुनो, आपकी आंखें जो है नियरली 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है, और कभी हम उसका फार पॉइंट देखें तो इन्फिनिट तक देख सकती है। हमारी आंखें साफ साफ 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक देख सकती है। इमेजिन करें कि आपके सामने यहाँ किताब रखी हुई है, क्या आप इसे देख पा रहे, तो आप कहेंगे सर नहीं देख पा रहे, हमारी आँखें दर्द करने लग जाएगी कुछ देर में। तो हमें 25 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक बच्चों, इन्फिनिट तक क्लियरली दिखाई देता है, 25 से लेकर इन्फिनिट तक। तो हम चाहते हैं कि पहला केस तो इन्फिनिट हो गया, और एक केस क्या हो कि जब इमेज जो है वो क्या हो, इन्फिनिटी से पहले दिखाई दे। इन्फिनिटी से पहले मतलब 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300, 200, 100 किलोमीटर, 500 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, नहीं बच्चों 24 सेंटीमीटर नहीं चलेगा सर। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो नियरली 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक देख सकती है, तो हम नहीं चाहते कि इमेज 25 से पहले बन जाए। 25 से पहले बनेगी तो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर केस टू में हम क्या बोल रहे हैं, केस टू में बनेंगे व्हेन फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct vision। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बच्चों हमारी आंखें एटलीस्ट कितना देख सकती है, तो आप कहेंगे एटलीस्ट डिस्टेंस हमारी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि इमेज जो है, एक तो केस हमने ले लिया कि इमेज इन्फिनिटी पे बने। देखिए हमारी आंखें, ये मेरी आंख, आंख कैसी बनाऊं मैं, चलिए आंख मेरी जैसी मेरे को आती है, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर, मेरी आंखें इस चीज़ को आसानी से देख सकती है, पर यहाँ इससे पहले की चीज़ को आसानी से नहीं देख सकती, आप भी करके देख लीजिए देख के। और बच्चों बताओ फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, तो देख सकती है इन्फिनिटी पे। तो हमने एक केस कौन सा ले लिया, इन्फिनिटी ले लिया। तो अगला केस क्या ले कि भैया इमेज यहाँ बन रही हो, 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 यहाँ 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 यहाँ, पर यहाँ मत ले लेना। इसलिए हमने सेकंड केस को, पहला केस तो इन्फिनिटी ले लिया, और एक केस क्या ले लेते हैं कि भैया एटलीस्ट 25 बने, मतलब 25 से आगे भी चलेगी, 25 से आगे कहाँ तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी, ठीक है। इन्फिनिटी मत लीजिएगा क्योंकि इन्फिनिटी को हमने अलग केस में ले लिया है। तो यहाँ पर हम इस केस में, इस केस में किसकी बात कर रहे हैं, इतने रीज़न की बात कर रहे हैं। इतना रीज़न मतलब कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 25 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म हो रही हो, 25, 26, 27, 28, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितनी भी चलेगी। तो यहाँ पर हम एटलीस्ट डिस्टेंस ले रहे हैं बच्चों, इसका मतलब इमेज की कोई जगह हमें पता नहीं है। पता है कि आपको 26 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगा के वो डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम यहां पर क्या लगा रहे हैं बच्चों, बाय कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और चरणों में ई लिखना पड़ेगा सर। ई क्यों, क्योंकि फाइनल इमेज कौन फॉर्म कर रहा है बच्चों, फाइनल इमेज फॉर्म कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे आई लेंस फॉर्म कर रहा है, इसलिए ई लिखेंगे। यहाँ पर सारी कहानी जो है किसकी चल रही है, फाइनल इमेज की, और फाइनल इमेज फॉर्म कौन करता है, आई लेंस करता है, सही है बच्चों। तो बच्चों आप खुद ही बताएं, आई लेंस की फोकल लेंथ हमेशा प्लस होती है, इसलिए प्लस एफ ई। और इमेज कहाँ बननी चाहिए, तो इमेज सर, इमेज 26 पे बन जाए चलेगा, 25 पे बन जाए चलेगा, 26, 27, 28, 29 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर,
100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर कहीं भी चलेगी, बनेगी, चलेगा। इसलिए हम इस इमेज डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, माइनस डी। डी फॉर क्या, डी फॉर कम से कम 25 और 26, 27 कुछ भी हो सकता है। तो डी फॉर क्या है, एटलीस्ट डिस्टेंस, और एटलीस्ट डिस्टेंस हमारी डी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। और माइनस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि फाइनल इमेज आई लेंस के लेफ्ट में बन रही, देखिए लेफ्ट में बन रही है, कहाँ बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, कहाँ बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, लेफ्ट में होने की वजह से माइनस साइन। और कभी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो UE जो होगा वो भी लेफ्ट में है। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट में है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माइनस का UE। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम FVU लिख देते हैं, और फिर लिखते हैं कि F को हम प्लस FE लिखेंगे, V को हम माइनस D लिखेंगे, और U को लिखेंगे माइनस U, ठीक है। और E क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि फाइनल इमेज की बात चल रही है तो आई लेंस फॉर्म कर रहा है, तो है ना। आप चाहें तो यहाँ पर F की जगह FE भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा बच्चों, कोई मना नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आनी चाहिए। अब ये वैल्यू को ऊपर पुट कर दें, क्या हो जाएगी, 1/FE। सर VA समझ नहीं आया, VE को माइनस D क्यों लिखा, क्योंकि हमारी एटलीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, 26 भी हो सकती, 27 भी हो सकती, पर एटलीस्ट की बात चल रही तो कम से कम कितनी डिस्टेंस होती है, 25 सेंटीमीटर। एक तो हमने फाइनल इमेज इन्फिनिटी ले ली, और एक एटलीस्ट डिस्टेंस ले ली 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों VE की जगह कितना डाल दूँ, तो VE की जगह डाल दिया माइनस D, और UE की जगह कितना डाल दूँ, माइनस का UE। तो 1/FE माइनस का 1/D, लेफ्ट में गया तो प्लस का 1/D, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1/UE। क्लियर है बच्चों, यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, इस 1/UE की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं। किस में पुट करने जा रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन। कहां है सर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है m इक्वल्स टू माइनस का FO/UE, ठीक है, माइनस का FO/UE। तो माइनस का एफ ओ, और ये 1/UE की वैल्यू हम यहां से डाल दें। देखिए ये भी तो 1/UE लिखा हुआ है, इसे क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, माइनस का एफ ओ इंटू 1/UE। सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/UE की वैल्यू कितनी है, 1/FE प्लस 1/D, और D कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई। ये कब लगेगा, जब रिलैक्स आई की बात चल रही है, मतलब जब इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पे। और ये वाला कब आएगा, जब इमेज बन रही है एटलीस्ट डिस्टेंस पे। सर एटलीस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर डेरिवेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, पर हमें इसमें थोड़ी सी एक दो चीज़ और पढ़नी है। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, तो बच्चों इस डायग्राम को आप लिख लीजिए, मैं इसे हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे और थोड़ी एक दो चीज़ इंक्लूड करनी है। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज़ ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ट्यूब लेंथ। क्या ले रहा हूँ बच्चों, मैं ट्यूब लेंथ। सर ट्यूब लेंथ मतलब, देखिए आप जानते हैं ट्यूब लेंथ क्या होती है, ट्यूब लेंथ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ। तो बच्चों बता सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो आप कहेंगे ऊपर मेंशन है एफ ओ प्लस यू ई। तो यहाँ पर ट्यूब लेंथ जो है वो क्या होगी, एफ ओ प्लस एफ ई। सर ये यूज आएगी, बिल्कुल आएगी, न्यूमेरिकल करेंगे तो जब यूज़ आएगी, ठीक है। अब आप कभी यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम में एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, देखिए उस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस ज़्यादा है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। एफ ओ क्या होती है, मोर होती है। इसका अपर्चर भी क्या होता है, मोर। अपर्चर मतलब इसका साइज जो होता है वो भी क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा रखा जाता है। सर किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। सर क्यों रखा जाता है ज़्यादा अपर्चर,
इसका अपर्चर इसलिए ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि भैया हम चाहते हैं कि सन तो बहुत दूर है, मून बहुत दूर है, तो मून से जो लाइट आए वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इंटर हो, तो जिससे ये जो इमेज बने वो बहुत ही शार्प बने, क्लियर बने। तो ज़्यादा लाइट इंटर होगी तो इमेज भी क्या होगी, शार्प होगी। कभी ये छोटा सा लेंस होगा तो लाइट कम इंटर होगी तो इमेज भी खराब बनेगी, ब्लर बनेगी। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि इसका अपर्चर क्या हो, बड़ा हो, और इसका फोकल लेंथ भी क्या हो, बड़ा हो। और हम आई लेंस के बारे में क्या जानते हैं कि सर आई लेंस जो होता है इसकी हर चीज़ कम होती है, इसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, कम होती है, और इसका अपर्चर भी क्या होता है, कम होता है। ये आपको याद करना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने डायग्राम में पहले ही अब बनाते टाइम मैंने बड़ा और छोटा बनाया था, क्योंकि इसकी हर चीज़ बड़ी है और इसकी हर चीज़ छोटी है। इसका अपर्चर भी बड़ा है और इसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा है, इसका अपर्चर कम है और फोकल लेंथ भी कम है। अब क्वेश्चन उठता क्यों ऐसा किया गया है, तो बच्चों अपर्चर के पीछे तो रीज़न बता दिया। अपर्चर इसका जितना ज़्यादा होगा लाइट उतनी ही ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा लाइट आएगी तो इमेज भी उतनी ही क्लियर बनेगी। ज़्यादा बच्चों इमेज बनने के लिए लाइट चाहिए, लाइट ज़्यादा तो इमेज भी अच्छी क्लियर बनेगी, क्लियर है। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब कभी हम इस फॉर्मूले से देखें, इस फॉर्मूले से देखें तो बच्चों बताओ मैग्नीफिकेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओ है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ई है। ये सारी करामात क्यों हो रही है, तो आप कहेंगे सर मैग्नीफाइंग पावर के लिए, क्योंकि हम ये जो सन है इसे क्या देखना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग पावर हम ज़्यादा चाहते हैं। तो आप कभी देखें तो मैग्नीफाइंग पावर जो है यहाँ पर भी दोनों केस में मैग्नीफाइंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ ओ के है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एफ ई के है, सही है। तो आप कभी इसको ध्यान से देखें तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि भैया ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा रखोगे मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए तो हम एफ ओ को ज़्यादा रखते हैं, एफ ओ ज़्यादा हुआ तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब इमेज बड़ी दिखाई देगी। और एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ ई, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जितनी कम होगी मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो यहीं पे इसलिए तो हम आई लेंस की फोकल लेंथ को कम रखते हैं जिससे मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो हमें पहले फॉर्मूला पता होता है कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ आ रही है। फॉर्मूले में हमें पता चल गया कि एफ ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, मतलब इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा चलेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एफ ही आ रहा है तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी, तब जाके मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही टफ टॉपिक का है या फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक का है, पर ये आपको याद करना होगा, तो इसे नोट डाउन करें। जो समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे बताइए, मैं हो सकता है कि मैं अगली क्लास में आपके कंसेप्ट को और क्लियर कर दूँ। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें, नोट डाउन कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखिए रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ, लिख देता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। तो हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो आप कहेंगे सर अभी इससे पहले जो आज हमने पढ़ा था वो क्या था, तो मैं कहूँगा उसमें देखिए लेंस यूज़ हुआ था। क्या यूज़ हुआ था बच्चों, उसमें लेंस यूज़ हुए थे। कौन से लेंस यूज़ हुए थे, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस। लेंस जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन नहीं क्या करते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन करते हैं। तो वहाँ पर कभी आपने दो लेंस लिए थे तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा था, इसलिए उन टेलीस्कोप को क्या कहते थे, रिफ्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो बच्चों आपको टेलीस्कोप का मतलब तो पता ही है, दूर की चीज़ों को देखता है, और एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब भी है पता है कि भैया स्पेस में रखी हुई दूर की चीज़ों को देखता है। पर रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर लेंस यूज़ नहीं करने वाले हम, यहाँ पर यूज़ होने वाला है रिफ्लेक्शन मीडियम। रिफ्लेक्शन किससे होता है, मिरर से। किससे होता है बच्चों, मिरर से। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, मिरर लेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और उसकी मदद से हम यहाँ पर टेलीस्कोप बनाएंगे। तो बच्चों डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, डिवाइस यूज्ड टू सी, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू सी वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज्ड टू सी वेरी फार ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड
सिचुएटेड ऑन स्पेस, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे कि भैया वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों ये किस पर आधारित है? रिफ्लेक्शन पे आधारित है। और रिफ्लेक्शन किससे होता है बच्चों? ये तो पता होगा, रिफ्लेक्शन किससे होता है बच्चों? मिरर से होता है। तो यहाँ पर हम इसके कंस्ट्रक्शन में किसको यूज करने जा रहे हैं? मिरर को यूज करने जा रहे हैं बच्चों। रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन नाम तो आपको याद ही करने होंगे। क्यों याद करने होंगे? क्योंकि साइंटिस्ट के नाम है, और साइंटिस्ट जो है खुद ने बनाया तो नाम तो डाल ही देते हैं अपना कि भैया मैंने बनाया है तो लोग मुझे याद करें, इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया? कैसेग्रेन टेलीस्कोप। और एक जो होता है वो होता है न्यूटोनियन। तो आप कहेंगे कि सर ये न्यूटन तो पीछा ही नहीं छोड़ता, न्यूटन तो जहाँ देखो वहाँ आ जाता है। तो बच्चों न्यूटन जो है उसने भी एक टेलीस्कोप बनाया जो कि क्या था? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पर हमारे सिलेबस में इन दोनों में से सिर्फ एक ही टेलीस्कोप है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। और ये जो है बिल्कुल सिलेबस में है तो सही, पर कोई डिटेल में नहीं है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इसे ही पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। तो हम यहाँ पर कैसेग्रेन टेलीस्कोप का डायग्राम बनाएंगे, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, पर इतना तो पढ़ेंगे कि समझ में आ जाए क्या होता है। तो हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं कैसेग्रेन, साइंटिस्ट का नाम है, टेलीस्कोप, जो कि किस पर आधारित है बच्चों? तो जो कि आधारित है किस पर? रिफ्लेक्शन पर। किस पर आधारित है बच्चों? रिफ्लेक्शन पर आधारित है। तो कैसेग्रेन टेलीस्कोप का हम डायग्राम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं दूसरे पेन का यूज करता हूं, ब्लैक पेन का। तो यहां पर ब्लैक पेन को यूज कर लेता हूं, देखिएगा। तो यहां पर ये एक होती है ये ट्यूब, बड़ी सी ट्यूब होती है, ठीक है। इस ट्यूब के कॉर्नर पर, एंड पर एक मिरर होता है। क्या होता है बच्चों? एक मिरर होता है। ये मिरर जो होता है कॉनकेव मिरर होता है या पैराबोलिक मिरर होता है, ठीक है। तो ये जो मिरर होने वाला है कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव मिरर या फिर पैराबोलिक मिरर, ये दोनों हो सकता है, कॉनकेव मिरर या पैराबोलिक मिरर, ठीक है बच्चों। कॉनकेव मिरर है और या फिर पैराबोलिक मिरर, मैं कंस्ट्रक्शन समझाते जाता हूं, ठीक है। और इस जगह पर एक होता है आईपीस लेंस। क्या होता है बच्चों? आईपीस लेंस। तो ये वाला जो है, सर आप तो कह रहे थे कि सर इसमें लेंस यूज नहीं होता, मिरर यूज होते हैं। तो मैं कहूँगा मिरर यूज होते हैं, ये तो बस आंखों से देखने वाला लेंस है। यहाँ पर इसका यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन हो रही इसकी वजह से नहीं होगी, वो तो मिरर की वजह से होगी, इसलिए इसका नाम रिफ्लेक्शन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहा गया है। तो बच्चों यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन मिरर की वजह से हो रही, लेंस यहाँ पर यूज ही नहीं होने वाला, ये तो मैं बताऊंगा ये सबसे एंड में यूज होगा, इसकी बात हम सबसे एंड में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई, एक मिरर तो हो गया कॉनकेव मिरर या फिर पैराबोलिक मिरर, और एक मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा बनाया होगा डायग्राम मैंने, तो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। मिरर में कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मतलब जिसकी एक सरफेस क्या होती, उभरी हुई होती। कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग पार्ट जो होगा वहां से क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्शन। तो ये लाल वाला जो है इसे मैं यहां मेंशन कर देता हूं, क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने वाला है, रिफ्रैक्शन नहीं। तो बच्चों देखिए, ये रहा आपका सन। क्या है प्यारे बच्चों? सन, जिसको देखने के लिए पूरा दुनिया बेताब है। तो ये रहा सन, ठीक है। ये सन क्या है हमारे लिए? सन यहाँ पर हमारे लिए क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है? लाइट रे निकल रही है। देखिए ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, सर कैसे गई? पैरेलल गई, दिख रही है बच्चों पैरेलल। तो यहाँ से लाइट रे क्या हो रही है? पैरेलल जा रही है। और आप जानते हैं कि जब कॉनकेव मिरर, बच्चों कौन से मिरर पे लाइट पास हुई है? कॉनकेव मिरर पे। जैसे ही कॉनकेव मिरर पर पैरेलल लाइट रे जाती है, तो ये लाइट रे जो है कहाँ पास हो जाती है? कहाँ से पास होती है? फोकस से। याद कीजिए, फोकस से।
तो ये लाइट रे जो है कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, फोकस की तरफ। ये देखिए फोकस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अच्छी नहीं बनी लाइन, अच्छी बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइट रे जो है फोकस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही लाइट रे पैरेलल डाली तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से। पर हमने क्या किया, ये लाइट रे जब फोकस से पास होने वाली थी उसके रास्ते में कौन सा मिरर रख दिया, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि लाइट रे जो है कभी मिरर नहीं होता, ये वाला लाल वाला मिरर नहीं होता, कॉन्वेक्स मिरर नहीं होता। तो ये लाइट रे कहाँ जाके मिलती, फोकस पे मिलती। पर हमने क्या कर दिया कि जैसे ही लाइट रे जो है फोकस की तरफ जाने लगी तो उसके रास्ते में हमने कौन सा मिरर रख दिया, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर रख दिया, मतलब लाइट रे फोकस की तरफ जाने वाली थी, गई नहीं है। तो जैसे ही लाइट रे हमने कहाँ पर रख दी, मतलब लाइट रे के रास्ते में कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट को डाइवर्स करने का काम करता है। कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्स कर देता है और वही कॉन्वेक्स मिरर लाइट को फैला देगा। तो ये लाइट को क्या करने वाला है, फैला देगा। तो ये लाइट को फैला दिया और ये फैला के लाइट रे जो है एसी जाने लगी। ये देखिए एसी जाने लगी, ये जा रही है। यहाँ पर ये हटा देता हूँ तो, और इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये लाइट रे जाने लगी, देखिए ये आईपीस लेंस, क्लियर है। तो ये लाइट रे जो है जाने लगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। देखिए लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल गई तो क्या हुई, फोकस से पास होने लगी। जैसे ही फोकस से पास होने लगी रास्ते में हमने क्या जाल बिछा दिया, सर किसका जाल बिछा दिया, कॉन्वेक्स मिरर का। जैसे ही लाइट रे पास हुई तो लाइट रे क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्शन होगी। तो इस जगह से बोलो क्या हुआ, इस जगह से रिफ्लेक्शन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और इस लाल वाली जगह से भी क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ एक भी बार, नहीं हुआ। तो लाइट रे जैसे ही यहाँ पे गई तो ये लाइट को क्या कर देगा, ये लाइट इसको क्या कर रही थी, लाइट जैसे कन्वर्जिंग लाइट देते हो तो ये लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। तो ये लाइट कहाँ इंटर करने लगी, कहाँ इंटर करने लगी, आई पी एस लेंस पे। और यहाँ पे हमारी क्या पड़ी हुई है, आँख है जो इसे क्या कर रही है, देख रही है। तो आपको सन की इमेज दिख गई, दिख गई। और बच्चों ये इमेज जो होगी ना बहुत ही ब्राइटर होगी, बहुत ही अच्छी होगी, यही तो इसका एडवांटेज है। आप बताओ पिछला वाला एडवांटेजेस डायग्राम था या कैसे ग्रैंड टेलीस्कोप, तो मैं कहूँगा भैया ये वाला जो है, जो कि है रिफ्लेक्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एडवांटेजेस होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं, यहाँ पर पूछा जाएगा। सर ये ख़त्म हो गया, हाँ बच्चों यहाँ पर बता दूँ कैसे ग्रैंड टेलीस्कोप में, बस डायग्राम पता हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भैया कॉनकेव मिरर यूज़ होता है जो कि पैराबोलिक भी हो सकता है, और साथ के साथ एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ही लाइट रे पास हुई पैरेलल तो फोकस पे ये मिलने लगती है, पर जैसे ही फोकस पे मिलने वाली होती है उससे पहले ही कॉन्वेक्स मिरर रख दिया जाता है जो लाइट को कन्वर्जिंग लाइट देते हैं। तो लाइट को डाइवर्स करके कहाँ पर फेंक देता है, आईपीस लेंस पे, और आपको इमेज दिख जाती है। तो यहाँ पर एग्जाम में आएगा कि भैया एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो बच्चों इसके एग्जाम में दो एडवांटेज लिखने को आते हैं, हम यहाँ पर दो से ज़्यादा बता देंगे। तो पहला एडवांटेज लिखते हैं बच्चों, किसका एडवांटेज, कौन एडवांटेजियस है ये याद रखिएगा। ये जो है एडवांटेजियस है, ये जो है एडवांटेजियस है, कौन सा बच्चों, कौन सा बच्चों, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एडवांटेजियस है, मतलब ये ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है मैं बताता हूँ। तो पहला एडवांटेज ये है कि भैया आप जानते हैं कभी आप लेंस लगाते हैं, जैसे कि आपने कभी लेंस लगाया, चश्मा लगाया, तो आप कभी चश्मे के चश्मा उतार के देखोगे तो आपको ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा, और जब चश्मा पहनोगे तो आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी कम दिखाई देगी। आसमान जितना ब्राइट नज़र आ रहा है उतना ब्राइट नज़र नहीं आएगा, जितना ब्राइट आपको नज़र आ रहा था उतना ब्राइट नज़र नहीं आएगा। देखिए आप चश्मा लगाते होंगे, नहीं भी लगाते हों तो आपके आसपास कोई चश्मा होगा, देखा होगा, आप जैसे चश्मा लगाते हो तो बाहर जितना ब्राइट होता है चश्मा लगाने के बाद ब्राइटनेस कम हो जाती है, बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पर तो लेंस यूज़ ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर लेंस नहीं यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, मिरर यूज़ हो रहे हैं। और मिरर जो होता है लाइट को, जितनी लाइट उसके ऊपर फॉल होती है उतनी की उतनी को ही रिफ्लेक्ट कर देता है।
तो कहीं भी लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, और लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो यहाँ पर इमेज क्या बनती है, ब्राइटर बनती है। क्या बनती है बच्चों, ब्राइटर। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। मैं यहाँ पर एक बार और समझा दूंगा बच्चों, इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज मोर ब्राइटर, मोर ब्राइटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इज मोर ब्राइटर देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। आपसे पूछे क्यों, आपसे क्यों, आपसे पूछे क्यों, तो आप रीजन लिख दीजिएगा क्यों का। रीजन ये है कि भैया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस यूज होते हैं, सॉरी हाँ रिफ्रैक्टिव, इन रिफ्रैक्टिव, इन रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप लेंस इज यूज्ड, लेंस इज यूज विच एब्जॉर्ब्स लाइट, विच एब्जॉर्ब्स लाइट, सो brightness of image is lesser। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस यूज होते हैं, और लेंस क्या कर लेता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहीं कभी हम किसकी बात करें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, कंटिन्यू क्योंकि नीचे जगह नहीं है, बट इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मिरर्स आर यूज्ड, मिरर्स आर यूज्ड विच डज नॉट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्स द लाइट। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं आया, मैं एक बार बताता हूँ। देखिए मिरर की क्या खासियत होती है, मिरर की क्या खासियत होती है, जितनी लाइट आप डालोगे मिरर पे उतनी की उतनी ही रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब ऐसा नहीं है ये 100% लाइट डाली तो 100% को ही रिफ्लेक्ट कर देगा, जितनी बार भी रिफ्लेक्शन करो तो यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। पर कभी लेंस की बात करें तो लेंस क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ी सी लाइट को एब्जॉर्ब किया तो बच्चों यहाँ पर दो लेंस से लाइट होके गुजर रही है, तो लाइट जब दो लेंस से होके गुजर रही है तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिससे जो इमेज बनेगी वो ब्राइटर नहीं बनेगी, थोड़ी सी डल बनती है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैसेग्रेन या फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट जो है वो होता है कि भैया इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप नो अब्रवेशन, नो क्रोमेटिक अब्रवेशन ऑकर। सर क्रोमेटिक अब्रवेशन बताइए क्या होता है, नो क्रोमेटिक अब्रवेशन ऑकर वाइल इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, वाइल इन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्रोमेटिक अब्रवेशन ऑकर। एग्जाम में दो ही पॉइंट बोलने को आते हैं तो मैं आपको बता दूं क्रोमेटिक अब्रवेशन क्या होता है। बच्चों कभी आप सन को देखें, किससे, चश्मे से, और चश्मे में क्या लगा होता है, लेंस। तो आप देखेंगे कि जो सन की लाइट है, जरा सा चश्मे को इधर उधर देखते हैं तो सन की जो लाइट है उस पर रेनबो बनता हुआ दिख रहा है। अब नेकेड आई से देखें तो रेनबो नहीं दिखाई देगा, पर आप जैसे चश्मा लगा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि चश्मे के कारण जो है वो सन की लाइट में रेनबो बन रहा है। रेनबो थोड़ा थोड़ा आपको कलर दिखाई देने लगता है, लाल थोड़ा दिखाई देता है, पीला, नीला हल्का सा, जो कि वाइट कलर के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। आप जानते हैं वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब जब कभी आप लेंस लगाते हैं तो वाइट लाइट उस लेंस से होकर थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती है, ये लेंस की क्या होती है, कमी होती है। मतलब कभी आप लेंस से सन की लाइट को देखो
देखोगे या फिर नॉर्मल लाइट में भी देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा है ना कलर दिखाई देगा। ऐसा होता है बच्चों, नहीं देखा तो ये मेरी फॉल्ट नहीं है, पर आपको बता दूं ऐसा होता है। आप सन की लाइट को देखोगे, देखिए व्हाइट लाइट होती है सन की, जानते हैं आप, पर जैसे ही आप देखेंगे तो आपको थोड़े थोड़े सेवन कलर्स आपको या फिर कोई कलर्स दिखाई देने लगेंगे। इसी को कहते हैं क्रोमेटिक अब्रवेशन, सही है। जबकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में ऐसा होना ही नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि लेंस यूज हुआ ही नहीं है। और बच्चों बता दूँ, मिरर जो होते हैं क्रोमेटिक अब्जर्वेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब आप कभी सफ़ेद कलर की लाइट को, वाइट लाइट को मिरर से पास करें तो वाइट लाइट ही जो होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, उसके साथ कलर में स्प्लिट नहीं होगी। ये तो अच्छी बात है ना, हम जो चाहते हैं वही दिखेगा। वाइट को देखना चाहते हैं तो वाइट दिखेगा, पर लेंस क्या करते हैं, लेंस वाइट देखना चाह रहे हैं पर हमें कलर दिखा देते हैं। ये तो गंदी बात है, ख़राब बात है। तो बच्चों बता दूं कि यहां पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्रोमेटिक अब्जर्वेशन नहीं करते हैं। क्रोमेटिक अब्जर्वेशन मतलब कलर दिखाई देना व्हाइट लाइट के, पर जबकि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस यूज होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये क्रोमेटिक अब्जर्वेशन ऑकर होता है किसमें, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में। तो ये तो दो पॉइंट हो गए, मैं तीसरा पॉइंट भी लिख देता हूं बच्चों एडवांटेजेस का। तो ये आपने लिख दिया होगा, ये नोट डाउन कर ले बच्चों, तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं। चलिए तीसरा पॉइंट जो होता है बच्चों, बताओ आपसे कोई पूछे कि भैया मिरर सस्ता होता है या लेंस सस्ता होता है? सर मिरर या फिर लेंस? सर लेंस महंगे होते हैं, बिल्कुल लेंस महंगे होते हैं। आपने देखा होगा आप जब चश्मे पहनते हैं तो चश्मा जो है 500, 700, 800, 1000, 2000, 5000, 3000, 7000, 10000 तक के आते हैं चश्मे। पर बच्चों मिरर जो आते हैं ना वो 50, 70, 100, 200 में तो कंप्लीट हो जाता है। तो मिरर की कॉस्टिंग बहुत ही सस्ती होती है और लेंस क्या होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। और देखिए कैसे ग्रैंड टेलीस्कोप या फिर कहें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर यूज़ हो रहे हैं, मिरर क्या होते हैं, चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेंस। तो बच्चों लिख दीजिए तीसरा पॉइंट, तीसरा एडवांटेज क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आर चीपर बिकॉज मिरर कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एज कंपेयर टू कौन सा बच्चों? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इन विच लेंस इज यूज्ड विच इज कॉस्टली। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सस्ते होते हैं। सर क्यों होते हैं? क्योंकि मिरर यूज़ होते हैं और मिरर सस्ते होते हैं बच्चों। मिरर बहुत ही, उनकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है। वहीं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस जो होते हैं महंगे होते हैं, इसलिए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप महंगे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपसे कोई कहे कि भैया अच्छी चीज़ देना, तो आप अच्छी चीज़ कौन सी लोगे, सस्ती वाली या महंगी वाली? तो मैं कहूँगा भैया इस बार सस्ती वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी है। देखिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सस्ती होने के बावजूद सब कुछ अच्छा है इसमें, सब कुछ अच्छा, इसलिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एडवांटेजेस है, सस्ता भी है, पहली बात तो सस्ता भी है, दूसरा क्रोमेटिक अब्जर्वेशन नहीं है, मतलब आप व्हाइट लाइट देखना चाहते हो तो व्हाइट ही दिखाई देगी, लाल लाल पीला हरा नीला नहीं दिखाई देगा। और तीसरा इससे जो इमेज बनेगी ब्राइटर बनेगी, ज़्यादा अच्छी ब्राइट इमेज बनेगी। सर क्यों? क्योंकि लेंस जो है इमेज को तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि मिरर लाइट को एब्जॉर्ब कतई नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सही है। तो तीसरा पॉइंट भी आ गया। और चौथा पॉइंट जो कि याद करने के लिए, वैसे तो एग्जाम में दो पॉइंट आ जाए बहुत है, पर चौथा पॉइंट भी देख लीजिए बच्चों, माउंटिंग मतलब जब हम टेलीस्कोप बनाते हैं तो टेलीस्कोप करने के लिए दोनों लेंस को माउंट करना पड़ता है। माउंट करने के बाद जो है आपको उसे ट्यूब में डालना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है, जबकि यहाँ पर अरेंजमेंट कितना सिंपल है। अरे मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कितने सीधे साधे हैं बेचारे, ठीक है, ज़्यादा हैंडलिंग की ज़रूरत तो पड़ती नहीं। एक तरफ क्या होता है, एक तरफ जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक तरफ कलर होता है, बस क्या किया, एक ट्यूब ली, उसके एक तरफ पे मिरर को चिपकाया, दूसरे तरफ में बीच में कॉन्वेक्स मिरर को चिपकाया, ख़त्म काम।
ठीक है, कितना सिंपल अरेंजमेंट है। और उसमें क्या है, एक प्लास्टिक की ट्यूब लो, उस ट्यूब में ऑब्जेक्टिव लेंस को लगाओ, आई लेंस को लगाओ, फिर उसके बाद गोल घुमाने की कार्यक्रम करो। कितने ज़्यादा तो कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बच्चों, माउंटिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज सिंपल। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज सिंपल एंड वाइल लिखेंगे, एंड की जगह वाइल, वाइल माउंटिंग ऑफ रिफ्रेक्शन टेलीस्कोप इज कॉम्प्लेक्स। डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं, क्या कहूंगा, कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी टफ होती है। बच्चों, माउंटिंग के साथ एक शब्द और जोड़ दे, मेंटेनेंस। इसका मेंटेनेंस बहुत ही ईजी होता है और इसका मेंटेनेंस जो होता है बहुत ही टफ होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों शब्द इसके साथ आ जाएंगे, तो चौथा पॉइंट भी हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये दो चारों पॉइंट समझ में आए होंगे और आने भी चाहिए, बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, तो मैं इसे आज यहीं कंप्लीट करता हूँ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।